नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एम में। तो देखिए, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ उत्तराखंड के नए प्रश्नों का संकलन, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि समीक्षा अधिकारी, कनिष्ठ सहायक, उत्तराखंड पुलिस, जो भी अभी अपकमिंग एग्जाम है उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी मेरी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, देहरादून में करणपुर गाँव किसने बसाया था? तो जो इसका सही आंसर है वो आपका कर्णावती है। अगला क्वेश्चन है आपका, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका मसूरी पे। इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में जितने भी आपके प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उन सभी का आपका प्रशिक्षण होता है वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है आपका, चंदों का राज चिन्ह क्या था? तो जो इसका राज चिन्ह था वो था आपका गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का क्या नाम है? तो इस जलाशय का नाम है स्वामी रामतीर। अगला क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं का चाणक्य किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका हर्षदेव जोशी को। देखिए, इससे पहला जो ऑप्शन है हर्षदेव ओली, इन्हें काली कुमाऊं का शेर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका लाला हरदयाल। अगला क्वेश्चन है आपका, सितंबर 2012 में उत्तरकाशी जनपद के गंगोत्री में बादल फटने के बाद कौन सा जनपद प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुआ? तो यह आपका रुद्रप्रयाग जो जनपद है वो सबसे ज़्यादा आपका प्रभावित हुआ था। इसमें उत्तरकाशी जिले में जब बादल फटा था तो उसमें जो भागीरथी नदी है उसका जल स्तर काफ़ी बढ़ गया था, जिस कारण यह आपदा हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब अपनाई गई? तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका 1 जून 1997 को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अपनाई गई थी। यह एक भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली है जो भारत में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन तथा भारत सरकार द्वारा स्थापित राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से भारत के गरीबों के लिए सब्सिडी वाले खाद्य और गैर खाद्य वस्तुएं वितरित करती है। अगला क्वेश्चन है आपका, अल्मोड़ा में विवेकानंद कृषि अनुसंधान शाला के संस्थापक कौन थे? तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका बोसी सेन। इन्होंने इसकी स्थापना 1924 में कोलकाता में की थी तथा इसका नाम विवेकानंद लेबोरेटरी रखा। इस लेबोरेटरी को 1936 में स्थायी रूप से अल्मोड़ा स्थानांतरित किया गया। 1 अक्टूबर 1974 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा इस संस्थान को अपने अंतर्गत लिया गया और इसका जो नाम था वह हो गया था आपका विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। अगला क्वेश्चन है आपका, किस मुगल सम्राट ने सुलह कुल की नीति अपनाई थी? तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका अकबर। अगला क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? जो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है वो होती है आपकी सौभमंडल, तो इसको सौभमंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, साप्टा यानी दक्षिणी एशियाई वरीयता व्यापार समझौता का गठन किस वर्ष हुआ? तो जो इसका सही आंसर है वह है आपका 1997 को आपका इसका गठन हुआ था, लेकिन इसमें ऑप्शन में गलत छपा हुआ है 1996। इसका जो सही आंसर है वह आपका 1997 है। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो यह आपका आपका रुड़की में। अगला क्वेश्चन है आपका, नंधौर दून किस जनपद में स्थित है? तो जो नंधौर दून है वह आपका नैनीताल जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखा गया है? तो यह तो सबको पता ही होगा, यह है आपका संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका, यूएन की सामान्य सभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका जो सही आंसर है वह है आपका विजय लक्ष्मी पंडित, यूएन की सामान्य सभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? तो यह हुई थी आपकी 1916 में। इसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक द्वारा भारत में स्वशासन के लिए राष्ट्रीय मार्ग का नेतृत्व करने के लिए यह जो होम रूल लीग है इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो यह विश्व पुस्तक दिवस है वह मनाया जाता है आपका 23 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है आपका, थायमिन को किस विटामिन के नाम से जाना जाता है? तो जो इसका सही आंसर है वह है आपका विटामिन बी। अगला क्वेश्चन है आपका, मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की? इसका जो सही आंसर है वह है आपका जहांगीर,
जहांगीर के टाइम पे मुगल चित्रकला ने सबसे ज्यादा उन्नति की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में पहली बार ओलंपिक किस वर्ष सम्मिलित हुआ? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1928 में भारत में सबसे पहली बार ओलंपिक सम्मिलित हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? इसका जो सही आंसर है वो होती है आपकी 44 फीट, बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, कृष्ण जल विवाद का संबंध किन दो राज्यों से है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक के मध्य कृष्णा जल विवाद का संबंध है। अगला क्वेश्चन है आपका, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह है आपके कृष्णा नदी पे स्थित। अगला क्वेश्चन है आपका, बोमडिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो जो बोमडिला दर्रा है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित। अगला क्वेश्चन है आपका, फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो जो इसका सही आंसर है वो होता है आपका इथाइलिन। अगला क्वेश्चन है आपका, पेंटियन शब्द किससे तो यह संबंधित है आपका माइक्रो प्रोसेसर से। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता? तो यह है आपका, इसका जो सही आंसर है वह है आपका हाइड्रा, हाइड्रा में रक्त नहीं होता। अगला क्वेश्चन है आपका, गढ़वाल पत्रिका का पितामह किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका तारादत्त गैरोला। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य में रेशम के कारखाने किसने स्थापित किए थे? तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका इंद्रचंद्र, इंद्रचंद्र था उसने कुमाऊं पे रेशम के कारखाने स्थापित किए थे। अगला क्वेश्चन है आपका, मुठभेड़ उपन्यास के लेखक कौन है? तो जो इसका सही आंसर है वह है आपका शैलेश मटियानी, शैलेश मटियानी इन्होंने ही मुठभेड़ उपन्यास लिखा। अगला क्वेश्चन है आपका, कोट ब्राह्मणी मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो यह है आपका बागेश्वर, तो बागेश्वर जिले पे कोट ब्राह्मणी का मंदिर स्थित है।